मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप, भर्ती प्रक्रिया में प्रबंधन कर रहा नियमों का उल्लंघन। वन विभाग के अधीक्षक का वीडियो वायरल, वीडियो में रिश्वत मांगते दिखे अधीक्षक। अभिभावक केडीएम ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश, स्कूल ने मार्कशीट और टीसी देने से किया था इनकार। बिजली का बिल लेकर सड़क पर निकले पूर्व मंत्री, बढ़े हुए बिल के विरोध में पहुंचे एसडीएम कार्यालय। शॉर्टकट के चक्कर में महिला ने अपनाया जलमग्न रास्ता, पानी के तेज बहाव में बह गई महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने अलग अंदाज के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बढ़े हुए बिजली के बिल का अनोखे अंदाज में विरोध किया है। आपको बता दें कि कवासी लखमा बिजली का बिल अपने हाथ में लेकर सड़क पर निकल गए। इतना ही नहीं, बढ़े हुए बिल के विरोध में वे एसडीएम के कार्यालय तक पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी पर गरीबों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरा सरगुजा से लेके कोटा तक हर ब्लॉक हेडक्वार्टर में एक दिन का धरना दिए हैं बिजली बिल के खिलाफ। हमारा सरकार भूपेश बघेल का कांग्रेस का सरकार थी, बिजली बिल अप का कानून लगाए थे, लोगों को राहत मिलता था। आज जो उपभोक्ता लोगों को चाहे व्यापार करने वाला आदमी हो, चाहे घर में बिजली बिना लोग कोई भी नहीं चलता, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम आदमी हो। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। संघ का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञापन में चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम का उल्लंघन किया है और शासन के नियमानुसार आरक्षण नियम का पालन भी नहीं किया गया है। संघ ने मेडिकल कॉलेज पर मनमानी नियम और शर्तें लागू करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा संघ ने सुधार न होने पर उग्र आंदोलन करने की धमकी भी दी है। कार्यालय का या मेडिकल कॉलेज का बॉस जो है वो डीन ही होते हैं, और बार बार बोलने के बाद भी अगर इस पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जा रही है, हम लोग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनकी भूमिका भी इसमें संदिग्ध लग रही है। आगे अगर आज के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आज के 15 दिन बाद पुनः जिला प्रशासन को सूचना देकर और इसी मांग को लेकर और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा लिखित में अप्रैल में और अभी मई की स्थिति में कुछ बिंदु दिए गए थे और जिसपे उनको जवाब बनाकर 28 तारीख को भेज दिया गया है, और अगर उसमें कुछ उनको कोई संशय की स्थिति है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन गलत नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, वो बार बार देखिए, नियम सम्मत होता है, समिति बनाकर सिलेक्शन कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी सब काम करके नियम सम्मत ढंग से शासन से आदेश अनुमोदन प्राप्त करके ही काम किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जाती, ना होना चाहिए और ना ऐसा संभव है। खबर ग्वालियर के हस्तिनापुर के सिरसौद गांव से है, जहां एक मंदिर में पूजा करने जा रही महिला को शॉर्टकट नदी का रास्ता पार करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि महिला नदी का रास्ता पार कर रही थी, तभी अचानक आए तेज बहाव में महिला खुद संभाल नहीं पाई और नदी में बहने से उसकी मौत हो गई। गाँव वालों ने महिला की तलाश की तो महिला का शव 1 किलोमीटर दूर डैम के पास तैरता हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निवासी सरसौद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका सब फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर पीएम कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच।
रहली में चल रहे कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के आरडीएल रवै से एक अभिभावक बेहद परेशान है। कोरोना काल की फीस ना देने पर स्कूल ने मार्कशीट और टीसी देने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर अभिभावक डीएम ऑफिस पहुंच गए और वहीं पर आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा। गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची को टीसी अंक जी कैमेज कॉन्वेंट हाई स्कूल दे नहीं रहा है, जिसकी शिकायत मैं श्रीमान दीपक आर्य कलेक्टर महोदय जी से भी कर चुका हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी कर चुका हूँ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ भी किया है और श्रीमान SDM महोदय से भी, गोविंद दुबे जी से भी किया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरी बच्ची के भविष्य की बात है, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो मैं कल जन सुनवाई में आत्मदाह करूंगा। उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई रसूखदार आदमी तो नहीं हूँ जिसकी प्रशासन सुने। मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने सभी जगह लिखित में दिया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुरैना के श्योपुर में वन विभाग के अधीक्षक योगेंद्र पारदे ने रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अधीक्षक योगेंद्र पारदे साफ साफ ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि 6 से 7 लाख रुपए चाहिए, तब सभी अधिकारियों को शांत किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वीडियो करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक अधीक्षक योगेंद्र पारदे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मुरैना के अलावा उन्हें चंबल अभ्यारण्य का चार्ज भी सौंप दिया गया है। इससे उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। नरसिंहपुर जिले के गडरवारा पुलिस ने एक बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस गिरोह के पास से 9 जिले से चोरी की गई 28 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये चोर गिरोह उन मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे जिनका लॉक आसानी से खुल जाए, जिसमें ना तो लॉक हो। ये गिरोह ज़्यादातर हीरो कंपनी की गाड़ियां चुराते थे, क्योंकि वह आसानी से बिक जाती थी। लगातार जो है चोरियाँ हो रही थी बाइक्स की, मोटरसाइकिल की गाड़ावारा में। इसी को लेकर के जो है निर्देश दिए गए थे TI एवं SDOP को। इसी के तारतम्य में लगातार इन्होंने अच्छा कार्य किया, 28 मोटरसाइकिल मिली है और इसी में लगभग 17 मोटरसाइकिल भोपाल की है। अन्य जो आसपास के जिले हैं, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, सागर, राजगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा और हमारे जिले की भी बाइक मिली है। मेन आरोपी जो है वो नर्मदापुरम सुहागपुर का रहने वाला एक और आरोपी है, वो अगर मिलता है तो और भी बाइक मिलने की उम्मीद है। तो अच्छा कार्य है, लगातार जो है इस तरीके से कार्य होते रहने से जो है जो भी चोरियां हैं वो कंट्रोल में भी रहेंगी और आगे भी हम लोग जो है जो भी ऐसे मेजर प्लेसेस हैं जहां पे बाइक्स रखते हैं उसमें भी नज़र रखने के लिए नोटिस जो हम लोगों को। सागर जिले के नरियावली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के मामले को लेकर पीड़ितों ने सागर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने थाना प्रभारी को हटाने के साथ आर्थिक मदद की मांग भी की है, जिससे पूरा न होने पर उन्होंने कदम उठाया है। मृतकों के परिजनों ने बताया सड़क हादसे में पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है, और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है। वो लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है और मैं लगातार प्रयास कर रहा था। दिनों में जरुआखेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी के जो भी अपनी
अनुशंसाएं आएंगी उसके आधार पर हम लोगों की चार मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगने दी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं एक गाड़ी को मारते हुए तीन लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती, तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है वो भी शांत अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें चार मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए, और क्या आश्वासन मिला। चौथी जो मांग थी कि उसके घर पर बुलडोजर चले। मामला मप्र के धार जिले का है, जहां दो गाड़ियों के आपस में टकराने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में एक परिवार के लोग लड़की देखने के लिए उज्जैन जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही तूफान गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निसरपुर और बड़वानी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एम्बुलेंस अधिकारी के द्वारा सवेरे 9 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली कि दो मरीजों को लेके आ रहे हैं, तो यहां पर लाने पे पता चला है कि वो दोनों मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं, और बाकी जो उनके परिजन जो घायल हुए हैं उस हादसे में उनको जिला अस्पताल बड़वानी में इलाज के लिए भेजा गया है। बुरहानपुर जिले के नया खेड़ा खेत में एक तेंदुए ने गाय का शिकार किया, वहीं फिर शिकार के बाद तेंदुआ बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद तेंदुए ग्रामीण की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है, फिर इलाज के लिए तेंदुए को भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अगर तेंदुआ गंभीर रहा तो उसे इलाज के लिए इंदौर भी भेजा जा सकता है। ग्वालियर में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरोपी रिश्ते में मृतक का भाई लगता है। दरअसल शादी समारोह में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसकी वजह से घर लौट रहे युवक को आरोपी ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गुर्जर कम्युनिटी के लोग है, वो आपस में शादी में विवाद हो गया था और एक व्यक्ति एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर पैर के उसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मृतक का नाम नरोत्तम मांगुरैया है और उसमें गले में गोली लगा था, उसको हॉस्पिटल ले गया था, बट हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया था। इस मामले को लेके थोड़ा सा टेंशन था, स्पॉट पुलिस ने डिप्लॉयमेंट हुआ था और रात में ही वो मामले को लेके FIR दर्ज हुआ था। ये फरियादी पक्ष के जो शिकायत के अनुसार वो जो लिखित में जो दे दिया उसमें 10 लोग आरोपी पक्ष के रूप में लिखा है, उसके अनुसार FIR दर्ज हुआ है। वो जो घटना में प्रयुक्त राइफल 315 बोर की वो भी जब्त हो गया है, आरोपियों की तलाश जारी है। नरसिंहपुर जिले में एक टायरों से भरे कंटेनर को लूटने के बाद भाग रहे लुटेरे ने पीछा कर रही पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे बरमान चौकी प्रभारी OP शर्मा, ASI छतर सिंह सरेयाम और चालक पवन नौरिया घायल हो गए। लुटेरे ने कंटेनर चालक की आंखें बंद कर छपरा के पास जंगल में फेंक दिया। आखिर में लुटेरे कंटेनर को हाईवे पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है और लूट व अपहरण की शिकायत भी दर्ज कर ली है। पांडुर्ना के सौसर थाना क्षेत्र में नवीन कंस्ट्रक्शन की तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि इस कंपनी के अवैध धंधों में लिप्त होने की खबरें भी आई हैं। शायद यही वजह है कि गाड़ी ड्राइवर मदद करने की बजाय मौके से भाग गया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी का कहना है कि गाड़ी ड्राइवर और कंपनी दोनों पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी हमें, टाइल पर इवेंट आया था कि एक गाड़ी जो है नवीन कंस्ट्रक्शन की गाड़ी, उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी गई है, जिसको चोटें आई हैं और जिसे मैं वहाँ पर हॉस्पिटल सौसर में एडमिट किया गया है। उसके जो घायल सुरेश है, उसके ससुर सुरेश, उसको उनका नाम भी सुरेश है,
और उनको FIR के लिए बुलवाया गया है और थाने में अभी उसमें अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर वन विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन, एडमिशन।